और यहाँ पे एक खतरनाक किस्म की डेंजरस किस्म की जंग होने वाली है जिसके लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। और वे देखे मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने से मेरे साथ बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसी है यूट्यूब फैमिली? डू होप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो, हाय, हेलो मदर फैमिली। हाँ फरियाल आपके पापा किधर है? बाबा किधर है? बाबा आपके दादा। ओ फरियाल के पापा तो इधर है भी नहीं है, वो काम पे थे वे रात रात तो। ओ कितने दिन हो गए उनको गए हुए बताओ जरा? ये वाले पापा दादा आ जाते हैं, ये वाले स्वाइट हाग हुए, दो दिन हुए जी। गाइस तो आज संडे है, जैसे कि मेरी बेटी आपको बता रही है, हमारे जो मियां साहब हैं वो दो दिन से काम पे, मतलब हफ्ता इतवार। नॉर्मली तो लोग खुश होते हैं गाइस, नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग बड़े खुश होते हैं, वीकेंड आ गया और हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पे सिचुएशन जरा अलग सी है क्योंकि आपकी बहन खुश नहीं होती, उसकी वजह ये है कि आपके भाई जो हैं वो जाते हैं जी वीकेंड पे टैक्सी पे, और वो पूरे दो दिन हमें ये देखें यहाँ पे देखिए क्यों लेके आई हूँ, ये दोनों हाथों वाला ये क्यों लेके आई हूँ नाइन मम्मा को दो। ये देखें गाइस, ये मेरी बच्ची जो है ना नेल कलर्स उठा के ले आई है कि मुझे ये लगाए, मतलब इनको कोई ना कोई काम के। एक एक पे और कलर लगाऊं, दूसरे पे दूसरा कलर लगाऊं? या एक हाथ ये मैं यहाँ लौंडी, एक हाथ यहाँ लौंडी, एक हाथ यहाँ लौंडी। दो कलर है? हाँ। बताओ ना ये कौन सा कलर है, ये वाला ये कौन सा कलर है? ये पिंक। पिंक और ये वाला दिस वन? ये स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है, ये मरून है। ये मरून है जैसे आपने कपड़े पहने हुए, और मम्मा ने भी ये सोने कपड़े पहने बरियाल ने। वाह हम सारों ने सेम ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। लगाती हूँ ना थोड़ा सब्र कर जो एक मिनट। सो जी गाइस मेरी बात अधूरी रहेगी, तो आपके भाई जो है वो दो दिन चले जाते हैं काम पे और आज अभी आएंगे वापस शाम को, लेकिन हमको ये नहीं पता वो कितने बजे वापस आएंगे। बस ये कोई लाइफ है हम लोगों की यहाँ पे। अच्छा देते ही बैठ करो, वीकेंड पे भी काम, वीकेंड पे भी काम। मुझे दिल करा था, मम्मा ने मुझे ये चॉकलेट दी। ये मेरे बच्चे पार्टी को दिल कर रहा था जी चॉकलेट्स खाने का, और इनके मुंह नहीं बंद हो रहे थे। कैसे बिठाती हूं ऐसे दम से? यार अभी मैंने कोशिश की है इन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए, अभी देखते हैं कब तक इन लोगों का मुंह बंद रहता है, क्योंकि ये लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, ये पारी सी भी मुझे तंग कर रही है। ये फरियाल है ना, ये फरियाल जो ये गंदी है, फरियाल गंदी है। और इधर हरीम को देखें, हरीम आ गए हो सामने, आओ क्या कर रही हो, बात करो ना कोई। पापा सुन भी नहीं, वो सुन भी नहीं था से। आप पापा को मिस कर रही हो? हाँ। जी ये बोलना चाह रही है कि मेरे पापा फोन नहीं उठा रहे और मैं पापा को मिस कर रही हूँ, क्योंकि हरीम के पापा अभी सो रहे होंगे, वो रात को टैक्सी पे थे, जाग रहे थे, अभी सो रहे होंगे इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। आपको पता है आपने फोन किया था? नहीं उठाया पापा ने फोन? ओ जी एवरीवन, यहाँ पे देखे मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने से मेरे साथ बैठ गए, और हम सब पे वेट कर रहे हैं इनके पापा का, और जब इनके पापा आ जाएंगे फिर हम सारों के मजे हो जाएंगे, क्योंकि हम सब बोर हो रहे हैं। फरियाल की जोकन उतर जाती है। हम्म,
नहीं छोड़ दो ना, बोला क्यों था पहले? बोला क्यों था? वो तो मैंने ऐसे बोला था, मैंने सोचा अभी आप भूल जाओगे, अभी आप भूली नहीं हो। मुझे अभी इनके नेल पेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मेरा सर खा रहे हैं दोनों, तो मैं यहाँ पे इनको नेल पेंट कर रही हूँ। नाइस कलर यार, आपको लगाती हूँ, एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट। वाह सो जी, हरीम का हो गया एक हाथ पे। अभी पहले ये फरियाल को लगा लूँ क्योंकि फरियाल जो मुझे बहुत तंग कर रही है। बस ये थे मेरे हाथ और ये वाला नहीं। साफ नहीं करना फरियाल, गिर गया। ये देखें जी, फरियाल के हाथों पे मैरून कलर का और हरीम का एक पिंक और एक वाला मैरून वाला। हरीम आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है दोनों में से? ये वाला और ये वाला। नहीं एक एक बताओ ना, ये वाले हाथ का अच्छा लग रहा है या ये वाले हाथ का अच्छा लग रहा है? कौन सा हाथ का अच्छा लग रहा है ज्यादा? मरून वाला। जैसे कि आपने देखा है हरीम लोगों को मैंने कलर पेंट लगा दिया, और आज की वीडियो की हम यहाँ पे एंडिंग करते हैं। नहीं क्योंकि बच्चा पार्टी मेरी खुद आपस में जंग कर रही है। हरीम गई है चीजों को संभालने के लिए कमरे में, और फरियाल उसके पीछे पीछे गई है, और यहाँ पे एक खतरनाक किस्म की, डेंजरस किस्म की जंग होने वाली है जिसके लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा और बच्चों को जाके संभालना पड़ेगा। सो अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों को तक फटाफट से पहुंच जाए। सो मुझे दीजिए इजाजत और मुझे जाना पड़ेगा, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।